आज केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी अभी आ रही है, वो मेरे साथ मेरे समर्थन में रोड शो करेंगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनती है और जिस प्रकार का समर्थन पूरी दिल्ली और खासतौर पर मेरा चांदनी चौक का क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है, उनके 10 साल के कामों को दे रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है हम चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। आज दोपहर में मेरे समर्थन में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी आ रहे हैं और वो भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के वातावरण बहुत सकारात्मक है और सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। वो पिछले 25 साल से चांदनी चौक से गायब है, लिहाजा कोई चुनौती नहीं है, चुनाव हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। तो 400 का जो आंकड़ा बीजेपी आवाज लगा रही है कि इस बार 400 पार, तो क्या मान के चलते हैं कि कितनी बड़ी, कहां तक आप पहुंच पाएंगे? देश ने मानस बना लिया है और मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के एक बड़े नारे के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा एक कानूनी मामला सामने आया था अभी पिछले दिनों, जो एक महिला जो उनकी बड़ी नेता है उनके साथ, मुझे लगता है कि उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के साथ इस विषय पर मिले हुए हैं। आपकी पार्टी में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और कांग्रेस के एक भी नेता ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई, उससे बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट की चिंता खा रही है और ये चिंता उनको ले डूबेगी। तो सर, आपके जो इलाके के चांदनी चौक से जो मतदाता हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि 25 मई को सभी लोग अपने अधिकार का उपयोग करें, परिवार सहित मतदान करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए मुझको चांदनी चौक में बैलेट बॉक्स पर या EMV मशीन पर 3 नंबर का बटन दबा करके मुझे अपना समर्थन दें, विश्वास दें, हम सब मिल करके चांदनी चौक के क्षेत्र को बेहद सुंदर क्षेत्र बनाएंगे।